हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील आप सभी को एसके स्टडी टाइम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित में एडिशन ऑफ रिपीटेड डिजिट के बारे में, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक से। ठीक है मित्रों, तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही कम समय में 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो के साथ आपके साथ हम लोग मिलते रहेंगे। और साथ ही घंटी के चिन्ह को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। मित्रों, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस नंबर एक की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर एक में कहता है 6+66+666+46। यहाँ पे वाट का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है मित्रों, तो इसको अगर जोड़ा जाए, एडिशन किया जाए इस तरह से, तो इकाई स्थान को पहले जोड़ेंगे इस तरह से, फिर दहाई लेंगे, तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि जितना डिजिट है उसको उतना बार लिख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, 6 × 4 डिजिट तक है ना ये। ठीक है, तो 6 × 3 6 × 2। ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक्स को, बहुत ही आसान ट्रिक्स है, आप समझ जाओगे एक बार में। तो ये क्या कर दिया गया, 6 × 4 6 × 3 6 × 2 6 × 1। अब यहाँ से क्या किया जाता है, इसको गुणा किया जाता है, तो 6 × 24 6 × 24 4 हाथ में बचा 2। ठीक है, 6 × 3 18 2 20 0 हाथ में बच गया, आपका शेष कितना बचा, आपका शेष बच गया 2, 6 × 12 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, आपका बचा 1 और 6 × 6 और 1 कितना हो गया 7। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से जो ये वाट के जगह पे आपका ये आंसर्स आ जाएगा। कितना ही आसान ट्रिक्स है, आप देख सकते हो, पेन उठाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या किया गया, इधर से इधर वाला डिजिट से काउंट किया गया, ये 4 है ये 3 है ये 2 है और ये 1 है। तो इस तरह से 6 × 4 6 × 3 6 × 2 6 × 1 किया गया। ठीक है, यहाँ से किया गया 6 × 4 = 24, यहाँ से लाया गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, अगर ये वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और ये जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझे तो हम लोग फिर से चलते हैं इसी को। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, ये 1, 2 digit, 3 digit and 4 digit तक है। तो जब 4 digit तक दिया हुआ, तो 4 digit तक हम मिलेंगे, तो इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या आता है इसका, जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 × 24 = 4 हो गया, शेष बचा 2, 6 × 3 = 18 और शेष जो 2 बचा था वो हो गया कितना 20। ठीक है, आपका बच गया 2, 6 × 12 12 और 2 कितना हो गया 14, अब बच गया 6 × 6 और 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया 7 हो गया। तो इस तरह से जो इसका आंसर आ गया 7404 आ गया, वाट के जगह पे आएगा। ठीक है, आप इसको जोड़ के देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इतना ही आएगा। तो ये एक ट्रिक से बनता है जो कि बहुत कम समय आपको लेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा है आपका, 1+11+111+451+51, इस तरह से वाट के जगह पे दिया है। तो ये तो जोड़ने में ज़्यादा कष्ट नहीं होगी, ये तो तुरंत जोड़ लोगे, लेकिन जब इसमें ट्रिक अगर लगाते हैं तो वही ट्रिक यहाँ भी यूज होगा। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किस से, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 5 से फिर 4 से फिर 1 को 3 से फिर 1 को ही 2 से और 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आपका आता है 5 × 5 4 × 4 3 × 3 और 2 एंड 1। तो इस तरह से जो है इसका आंसर वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, 12345 आ जाएगा। यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा, इसका जोड़ इतना हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और समझ में अगर नहीं आ रहे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और इससे अच्छा से अच्छा समझा सकूं और आसान सा ट्रिक आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आ गया 2, इसमें देखिए 5 digit है, 4 digit 3 digit 2 digit and 1 digit। ठीक है,
तो इस तरह के जो बनाया गया है, तो अब हम लोग इसमें चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले लिया जाता है बड़ा अकाउंट से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 5, चूंकि 5 डिजिट है, उसके बाद 4 डिजिट है, तो 2 × 4, उसके बाद 3 डिजिट है, 2 × 3, ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट है, तो 2 × 2, और उसके बाद 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ से क्या होगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है, 1 बच गया जाएगा रिमाइंडर, और 4 × 2 = 8 होगा, और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, एंड 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका रिजल्ट आया है, क्या आ गया, 24,690 आ गया, तो वाट की जगह पे क्या हो जाएगा 24,690 आ जाएगा, ठीक है मित्रों। एक बार और समझ लेते हैं इसको क्या किया गया, ये 5 डिजिट था, ठीक है, 5 डिजिट तक, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया गया 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, एंड फिर 1 से किया गया, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, इतना ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, ये पॉइंट डेसिमल नंबर में आ गया, दशमलव में आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले डेसिमल को भूल जाएंगे, उसके बाद नॉर्मल जैसे भी उसको बना रहे थे होल नंबर में, उस तरह से इसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगर इसको करते हैं, तो कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 7 × 5, ठीक है, 7 × 4, 7 × 3, 7 × 2, एंड 7 × 1 हो जाएगा, इस तरह से तो होगा, उतना ही है जैसे उसमें किया गया। लेकिन इसमें पॉइंट है, तो जब ये पॉइंट वाला रहेगा, दशमलव वाला रहेगा, तो उसमें हम लोग ऊपर से चल रहे थे 5 से चल रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे 1 से चला जाएगा, और क्या देखा जाएगा, यहाँ कितना डिजिट तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट के बाद जो है कितना है, दशमलव दिया गया है, यानी कि डेसिमल दिया गया। तो हम लोग अगर इधर से चलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 1 बचा रिमाइंडर, 7 × 3 = 21, ठीक है, 7 × 21, 1 जो बचा 21 और 1 22, ठीक है, 7 × 4 = 28, 28 × 2 क्या हो गया 30 का 0 बचा 3, ठीक है, 7 × 5 = 35, और 35 और 3 कितना हो जाएगा, तो 35 और 3 हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, ठीक है, 35 और 3 = 38, लेकिन ये आपका सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिजिट वाला है, तो डिजिट वाला देखेंगे लास्ट डिजिट कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो पीछे से काउंट करके 5 डिजिट के बाद पॉइंट दिया जाएगा, तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पे जो है एक डिजिट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका, 3.80247, इस तरह से जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, 3.3, ठीक है, ये हो जाएगा 3.80247 हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो इतना ही है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं मित्रों, आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी कि ये किया गया 0.9, 0.999, 0.999, 0.9999, यानी कि 4 डिजिट तक लास्ट लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, अभी जस्ट इससे पहले चर्चा की थी, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 × 4, 9 × 4, 9 × 3, 9 × 2, एंड 9 × 1, ठीक है। तो अभी ही जस्ट चर्चा हुई थी कि जब पॉइंट वाले रहेंगे तो उसको नीचे से लिया जाता है, 1 से लिया जाता है, 2 की ओर चलते हैं, और जब बिना पॉइंट वाले रहें तो 4 से या 5 जितना डिजिट रहेगा उससे 1 की ओर चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ देखते हैं 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 9 × 1 = 9 हो गया, उसके बाद 9 × 2 = 18, 18 × 8 बचा 1, ठीक है, 9 × 3 = 27, 1 × 28 = 8 बचा 2, बच गया 9 × 4 = 36, और 36 × 2 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, 9 × 36 = 36, 36 × 2 = 38, इस तरह से जो आपका डिजिट हो गया 3, 8, 8, 8, 9। तो अब यहाँ देखते क्या है मित्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना डिजिट बात है, यहाँ पॉइंट 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 डिजिट के बाद जो है पॉइंट दिया गया, तो हम भी यहाँ 4 डिजिट के बाद पॉइंट दिया जाएगा, तो 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है मित्रों, यानी कि ये 4 डिजिट बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट, तो इसका फाइनल आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो 3.8889 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा,
ठीक है मित्रों, यही था शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत ही आसान ट्रिक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है मित्रों। और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इतना ही था आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, धन्यवाद।